बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप आप लोगों को पता है, जिसमें अबेलियन प्रॉपर्टी ऑबे होती है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ उसके अंदर होल्ड होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट साइक्लिक। हमने वो एक एग्जाम्पल देनी है कि जो अबेलियन ग्रुप हो लेकिन साइक्लिक ना हो। इसके लिए स्टूडेंट्स, ये जो कैलिन्स ग्रुप है, इससे पहले हम वीडियो के अंदर जो है इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका आर्डर 4 होता है, जैसे ये है जी इज इक्वल टू ई ए बी सी है, और इसके अंदर जो कंडीशंस हमने जो है वो वहाँ पे रखी थी, वो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए बी को हमने सी को रखा था, ए बी स्केयर इज इक्वल टू ई। ये अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। क्यों ये साइक्लिक नहीं है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज़ 2, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है किसी एक एलिमेंट से जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। साइक्लिक ग्रुप के लिए ये होता है कि साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, सिंगल एंड सेम एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है द ग्रुप कैन नॉट बी जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है। और अबेलियन को देखने के लिए अब ये देखिए, मैंने ये कहा था कि आप डायगनल कि अबाउट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, कैलिस टेबल के अंदर। अब ये देखो, ये ए दोनों तरफ जो है वो सेम है, इधर बी है, इधर आपके पास ये सी है, इधर ये ए है, ये बी है। तो इस डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब ये कौन, ये अबेलियन है। तो ये कैलिन्स ग्रुप की ये जो है ये एग्जाम्पल है कि जिसमें ये ग्रुप जो है वो अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स के, एक्सप्लेन व्हाई ग्रुप ऑफ आर्डर 47 कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स। आर्डर 47 का जो है वो क्यों प्रॉपर सब ग्रुप्स जो है वो नहीं रखता, ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो 47 है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 47 क्या है? प्राइम नंबर है। वरा लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ आर्डर 47, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 विच इज ए प्राइम नंबर, विच इज ए प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर हैज ऑनली 2 डिवाइजर्स, एंड प्राइम नंबर हैज ऑनली 2 divisors. Here the divisors are one and 47. इसका मतलब यह है कि इसके जो सब ग्रुप्स बनेंगे उनका ऑर्डर या तो 1 होगा या 47 होगा, ठीक है। By Lagrange's theorem, the order of the subgroup divides the order of the group. By Lagrange's theorem, the order of subgroup divides the order of the group. Let M be the order of the subgroup. Let M be the order of the subgroup. इसका मतलब यह है कि for M is equal to 1, अगर M जो है वो हमारे पास क्या हो, 1 हो, तो फिर subgroup जो है वो क्या होगा, M be the order of the subgroup H. तो M अगर 1 के इक्वल है तो H किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, विच इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, विच इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। ये G का क्या है? इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। अब ये है कि M क्या हो सकता है? 47 हो सकता है। अगर ये 47 है तो H किसके इक्वल आ जाएगा? G के इक्वल ही आ जाएगा, विच इज अगेन इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, विच इज ऑल्सो इम्प्रॉपर
सब ग्रुप ऑफ जी, जो जी का क्या है, इम्प्रॉपर जो है वो सब ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि जी कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स, विच शोज दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव ए सब ग्रुप, कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स, प्रॉपर सब ग्रुप्स। ये हमें जो है वो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये दिया गया है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89, यानी कि जी हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 89 है। कैन जी हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्या इसका सब ग्रुप हो सकता है जिसका ऑर्डर 12 हो, 16 हो, 24 हो? जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 89 है। तो लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89 बाय लैग्रैंज थ्योरम, ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर हैव ए सब ग्रुप, हैव ए सब ग्रुप इफ इट्स ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या करे, ग्रुप के ऑर्डर को जो है वो डिवाइड करे। इफ द फाइनाइट ग्रुप जी हैज ए सब ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर हैव ए सब ग्रुप इफ द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इफ द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि जो जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर उसको क्या करे, डिवाइड करे, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये उसका सब ग्रुप हो सकता है। अब आप ये देखें, ये जो तीनों हैं 12 को इस पे डिवाइड करें, डिवाइड नहीं होता, 16, 24, तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे इस नंबर को, ठीक है। सिंस नन ऑफ दीज नंबर्स 12, 16, 24 डिवाइड्स 89, सो जी हैज नो सब ग्रुप, ठीक है। इसका जो है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, 16 एंड 24, यानी कि इस ऑर्डर का कोई भी इसका सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप के लिए कंडीशन ये है कि वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।